कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट ट्रैकर्स दिस इज़ कविता सो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप टेल्थ के एग्जामिनेशन के बाद क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इंडियन डिफेंस फोर्सेस की ओर तो किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं सो दिस सेशन विल इंक्लूड ऑल द एंट्रीज जो क्लास ट्वेल्थ के बाद आप दे सकते हैं और अपकमिंग एंट्रीज नोटिफिकेशन के बारे में मैं बता रही हूँ क्योंकि आपके रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं आप एक बेटर करियर ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में यूनिफॉर्म है डिसिप्लिन है डिग्निटी है और आप अपने करियर में एडवेंचर चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि इंडियन डिफेंस सर्विस इज द अब इंडियन डिफेंस सर्विसेज में जाने की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कौन सी एंट्रीज आपके लिए सुटेबल होंगी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसमें क्या और एड ऑन क्राइटेरिया है क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है क्या सिलेक्शन प्रोसेस है क्या आप मेल कैंडिडेट हैं या आप फीमेल कैंडिडेट हैं आप uh, सबके परस्पेक्टिव के लिए यह सेशन कंप्लीटली डिवोटेड है बिकॉज जैसे ही रिजल्ट रिलीज हुआ बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि मैम हमें इंडियन डिफेंस फोर्सेज में अपना करियर बनाना है तो प्लीज आपको

आई डोंट नो आप बहुत सारे सेशंस देख रहे होंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स अब भी मुझसे परसेंटाइल परसेंटेज पूछते हैं कि कितना परसेंटेज स्कोर करना होगा जेई मीन में कितने मार्क्स चाहिए तो पहले मैं आपको दो क्राइटेरिया बता दे रही हूँ और उसके बाद सो फार जो ट्रेंड चला आ रहा है अगर इस बार कोई चेंजेस नहीं होता सेम पैटर्न फॉलो होता है तो यही क्राइटेरिया आगे भी फॉलो होगा तो टी एस फोर्टी एट एंट्री मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है इसमें नाइन्टी वैकेंसीज होती हैं इट्स अ परमानेंट कमीशन सेकेंडली इसमें आपको पी सी एम के जो एग्रीगेट है दैट इज सिक्सटी परसेंट यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और इसमें सिक्सटी परसेंट इन टोटल आपका एग्रीगेट होना चाहिए साथ ही जेई मेन्स में आपने एलिजिबल uh, आपने एग्जामिनेशन दिया हो ठीक है तो जे मेन्स की कोई पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज लास्ट टाइम मैंने जो टी एस फोर्टी सेवन के कैंडिडेट्स को ट्रेन किया था उनमें जो स्टूडेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी इवन फोर फाइव सिक्स परसेंट के स्टूडेंट्स भी शॉर्ट लिस्ट हुए थे तो इट्स जस्ट एन एड ऑन क्राइटेरिया जो एड किया गया है आपकी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए क्योंकि ये एक टेक्निकल एंट्री है तो एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जो आपका जेई मीन्स कंप्लीट कर दे रहा है तो 60 परसेंट मार्क्स के अगर आप ऊपर हैं जेई मीन्स में आपने अच्छा खासा स्कोर करा हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली हम कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो हम बॉर्डर लाइन पर नहीं रहना चाहते हैं हम अच्छा सा अच्छा स्कोर करते हैं तो अगर आपने जेई मेंस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है आपके पास 2021 सेशन uh, 2022 के सेशन वन के स्कोर्स हैं और 60 परसेंट एग्रीगेट है पीसीएम में तो आप एलिजिबल हैं इस एंट्री में अप्लाई करने के लिए ठीक है ये टीएस 48 की बात हो गई अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसके अल्टरनेट में बात करूं तो इसमें आप एन डी एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और एन डी एग्जामिनेशन के हेल्प से आप आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तीनों में करियर बना सकते हैं और एन डी एग्जामिनेशन इज बोथ फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स द इसमें जो सेलेक्शन प्रोसेस होता है दैट इज़ ओनली रिटर्न एग्जामिनेशन एंड एस एस बी इंटरव्यू वेयर एज टेक्निकल एंट्री में सिर्फ आपका डायरेक्ट एस एस बी इंटरव्यू होता है ठीक है तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दी हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से आप अपने करियर को देख सकते हैं आई एम श्योर अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके एंड कौन सी एंट्री सूटेबल रहेगी उसको तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी कि आप दोनों ही एंट्रीज़ में पैरेलली अप्लाई करिए इसके अलावा अगर आपने अभी जेई में अप्लाई नहीं किया मगर यू आर थिंकिंग टू बी इन टू द डिफेंस फोर्सेज तो आपके पास एन एक ऑप्शन है जिसमें जेई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है जेई मेन्स के लिए सो so, uh, अभी दोबारा से एग्जामिनेशन सेशन टू के जेई के होने वाले हैं फ्रॉम ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई जिसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट आठ से दस दिन में आ जाते हैं सो so, जो टी का एप्लीकेशन विंडो होता है ये करीबन एक महीने तक ओपन रहता है तो so, आप इसमें एग्जामिनेशन दे आपके रिजल्ट भी आपके हाथ में होंगे सो इफ दैट इज द केस तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए सो ओवर एन ऑल दो बातें आपको ध्यान रखनी है टेक्निकल एंट्री के लिए जिसमें आपके 60 परसेंट पी के स्कोर्स होने चाहिए एंड आपके हाथ में टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू सेशन वन सेशन टू जे मेंस किसी में भी आपका अपियर होना इंपॉर्टेंट है ठीक है आपके पास उसका एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड होना चाहिए चाहे आपने सेशन वन में अपीयर किया हो चाहे आपने सेशन टू में अपेयर किया हो दिस इज द ओनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम फोर्टी एट नाउ अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एस एस बी इंटरव्यू के लिए आई वुड से स्टार्ट योर प्रपेरेशन बिकॉज एस एस बी इंटरव्यू इज द थिंग जहां पे मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट एंट्री है तो कोर्स यू नो एस एस बी इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टिंग काफी डिफिकल्ट हो जाती है Because जब हम जब हमें कोई एडवांटेज मिलता है तो वहाँ पे कंपटीशन एंड डिसएडवांटेज भी थोड़ा सा होता है। तो अगर आपको बिना एग्जामिनेशन दिए डायरेक्ट एस का ऑप्शन मिल रहा है जो एक्सपेक्टेशन होंगे वहां पर भी आपको अच्छी टेस्टिंग के लेवल से गुजरना होगा तो एस बी इंटरव्यू इज अ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन जिसमें आपकी साइकोलॉजी मेंटल बिहेवियर फिजिकल एक्टिविटीज पर्सनल लेवल पे यू नो पर्सनालिटी चेकअप सब कुछ होता है एसएसबी इंटरव्यू की एक एक डिटेल uh, मैंने ऑलरेडी इस सेशन में बताऊंगी अभी आपको आगे कि क्या क्या टेस्ट होते हैं क्या क्या सीरीज़ होते हैं क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करनी होती हैं तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इसको आप लाइटली ना लें और विद इन अ मंथ और टू आई एम श्योर आप सबके एस एस इंटरव्यूज़ Uh, आप फेस करने के लिए तैयार होंगे क्योंकि अब टेक्निकल एंट्री स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द रिलीज होने वाले हैं ठीक है तो चाहे आप एन के लिए प्रिपेयर कर रहे हों या टी uh, एंट्री के एस इंटरव्यू के लिए बट एस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आपको अप्रॉक्सीमेटली टू टू थ्री मंथ्स का टेन्योअर लगेगा सो डो नॉट वेट फॉर एनी वन बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेरिंग एंड

की प्रिपरेशन करने में तो इसमें बेसिकली इनिशियल डे वन में आपकी रिपोर्टिंग होती है डॉक्यूमेंट चेकिंग्स होते हैं स्क्रीनिंग होती है सो दिस फर्स्ट जो लाइन है ये आपका डे वन में होता है एंड अंदर आफ्टर साइकोलॉजी टेस्ट जी टेस्टिंग एंड इंटरव्यू ये आपके सेकेंड डे uh, में होते हैं अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं नाउ मैं कहूँगी बहुत सारी प्रेपरेशन आती हैं जब हम एस इंटरव्यू की प्रॉब्लम करते हैं बींग गर्ल हमारे लिए ट्रैवल करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है जो एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग होती है डेज की होती है एंड इट्स क्वाइट कॉस्टली ऑल्सो सो सिंस वी ऑल बिलोंग फ्रॉम मीडल मिडिल क्लास फैमिलीज तो एक दिमाग में ये प्रॉब्लम होती है टेंशन होती है ट्रैवल करने की पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कोविड की सिचुएशन है एंड एन नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स आर दे एस एस बी इंटरव्यू इज़ ऑल अ मिथ जितना हम लोगों ने सुना है जाना है कि एस एस बी इंटरव्यू की प्रपरेशन घर पे नहीं हो सकती है या बहुत डिफिकल्ट है आई एम टेलिंग यू क्योंकि मैंने इतने सारे बच्चों को ट्रेन कर दिया है मैं पर्सनली माई ब्रदर हैज़ ऑल्सो गॉड रिकमेंडेड थ्रू माई फीडबैक एंड माई गाइडेंस एंड ही इज करेंटली इन टू सर्विसेज तो जो वहाँ से भी जो इनपुट्स आते हैं इट्स ओनली द सेम थिंग और वही मैं आपके साथ एग्जैक्टली यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ और उसी तरह की गाइडेंस हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे तो एस एस बी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप घर बैठ के बहुत आराम से कर सकते हैं एस इंटरव्यू में यूजअली जब आप जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में सो सो फार आई हैव ऑल्सो गॉट फीडबैक्स कि वहाँ पर एक बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको बता दी जाते हैं हालाँकि वो इंस्ट्रक्शन आपको गूगल पर अवेलेबल मिलेंगे जो वहाँ पर नहीं दिया जाता है वो होता है कि हर टेस्ट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होनी चाहिए आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए कि उस टेस्ट में बेसिकली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या अप्रोच होना चाहिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए

हेल्पफुल फॉर यू ऑल इसमें आपको डिटेल इंटरव्यू की, की बहुत बारीकी से अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी का क्या अप्रोच होना चाहिए क्या डे वाइज कैसा प्लान होना चाहिए सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा आईदर यू कैन विजिट गवर्नमेंट क्रैकर्स का वेबसाइट uh, आप जा सकते हैं और यू कैन ज्वाइन द गाइडेंस प्रोग्राम एंड पैरल इसी तरह के ऑप्शन और पैरल जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डिफेंस या कौन कौन एंट्रीज आप अप्लाई कर सकते हैं कोई डाउट हो कोई क्वेरीज हो तो मोस्ट वेलकम यू ऑल कैन ज्वाइन द प्लेटफॉर्म आप वहां पे डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं हाउ एवर आई ओनली रिक्वेस्ट आप मुझे व्हाट्सएप से भी कनेक्टेड हो सकते हैं बट देन सिंस मोस्ट ऑफ द क्वेरीज एंड क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स मैंने यहां पर ऑलरेडी रेक्टिफाई कर दिए सो so जो रेपिटेटिव uh, क्वेश्चन है उनको आप नहीं पूछें प्लस ये भी अंडरस्टैंड करें दट हैेश अगर आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं बिकॉज आई आई एम कनेक्टेड टू एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन थाउजेंड्स एंड हर एक को रिस्पॉन्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा बट ऑल्सो स्टिल आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो में भी कमेंट uh, सेक्शन में कमेंट करके अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं पूछ सकते हैं एंड आई एम श्योर इसके बाद अब आपके पास क्लैरिटी आ जानी चाहिए एंट्री 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 को को कौन सी के लिए आ, आप एलिजिबल हैं गर्ल्स को अगर मैं अभी बोल दू क्योंकि आपके लिए टीएस एंट्री अवेलेबल नहीं है बट फॉर मेल कैंडिडेट्स आई वुड सजेस्ट एंड एडवाइस कि आपको दोनों एंट्रीज के साथ पैरेलली चलना चाहिए दोनों ऑप्शन अपने ओपन रखने चाहिए एंड एस एस बी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप सबको इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए बिकॉज आपके पास ऑलमोस्ट